हेलो एवरीवन, हाय। बहुत खांसी हो रही है। कोई देख रहा है मुझे? अच्छा, ओ हेलो वैभव, कैसे हैं आप? हाय। सबसे पहले टू जॉइन। अच्छा, क्या हाल चाल वैभव? आ सुचिर, हाय सुचिर। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ वैभव। पल्लवी जी एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग प्रयास की मदर हैं। नमस्ते आंटी। ओहो, बड़े बड़े लोग आ गए हैं। द वन एंड ओनली मेक दी बॉस। सो जो वैसे तो ज्यादातर लोग जानते होंगे, बट आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस दैट मेघदीप इज एन अमेजिंग अमेजिंग म्यूजिक प्रोड्यूसर एंड कंपोजर, ऑल्सो अ लिरिसिस्ट एंड अ ब्रदर फ्रॉम अदर मदर। भाई, मेरा भाई सैफ अली खान। ओ माई गॉड, स्वयं सैफ अली खान। बट ये म्यूजिशियन है। हाय सैफ, कैसे हैं आप? श्रुति, हाय श्रुति मिश्रा। और कोई छूट तो नहीं रहा है? सुपेश। बहुत टाइम से लाइव किया नहीं था। एक्चुअली मुझे लगता नहीं कि मैंने कभी इंस्टा लाइव किया था। मुझे आता भी है, अभी भी मैंने थोड़ा फिगर आउट किया कैसे लाइव किया जाता है, पर करना चाहिए ना। मिलते रहना चाहिए लोगों से, वर्चुअल फ्रेंड्स से। ऐसे तो सबका गाना बजाना सुनते रहते हैं, पर ऐसे मिल लेना चाहिए। तो एक्चुअली आज लाइव किया है आप सबको शुक्रिया बोलने के लिए, क्योंकि तेरा शुक्रिया जो प्रयाश मजूमदार का गाना है, अभी वो भी ज्वाइन करेंगे। उसको 1-2 मिलियन व्यूज और जेन्युइन व्यूज और ज्यादा हो गए हैं शायद से। तो सबको शुक्रिया करना था कि यार सबने बहुत हाथ लगाया, बहुत प्रमोट किया और अच्छा अच्छा म्यूजिक सब लोग सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट म्यूजिशियंस को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हाय ग्लेन, हाउ आर यू? लॉन्ग टाइम। आरजे ग्लेन, ग्लेन इज सुपर अमेजिंग। सौम्या, हाय सौम्या। तो मैं वेट कर रही हूं कि प्रयास आ जाए एक बार, तो हम फिर साथ में बात करें और आप लोगों को धन्यवाद दें और भी थोड़ी बहुत बातें करें। आप लोगों की भी सुने कि क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, क्या नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सौम्या, और आप भी अच्छी होंगी। आप बहुत टाइम से घर आने वाली थी पर नहीं आई। ओ फाइनली द वन एंड ओनली प्रयास मजुमदार। ओ मेरे घर वालों को पता लग गया कि मैं लाइव हूँ। तो बाहर के हमारे ड्राइंग रूम से मेरे पति देव प्रतीक खरे ज्वाइन कर चुके हैं हमें। अरे सौम्या, अपना घर है, कभी भी आओ। आ जाओ, अभी आ जाओ। ऐसा है, मुझे पता नहीं लोग क्या कहते हैं इंस्टा लाइव में। यार क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से प्रयास को ज्वाइन कर लेना चाहिए। ओ मेरे पापा आ गए हैं और मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड संचारी इज विद अस। हाय संचारी, हाउ आर यू? आई होप यू आर हैविंग अ गुड टाइम। तो प्रयास को भी हम ऑन बोर्ड ले लें और बात करते हैं फिर कि कैसा क्या अपना हिसाब किताब है। तो प्रयास को मैंने रिक्वेस्ट भेज दी।
Anchari ji is also with us. Hi Gauri, how are you? Hello. Hi. Hello Prayas, how are Nice to you? see you. Same here. तो मैं अभी बात कर रही थी, वही पूछ रही थी लोगों से, भाई पता नहीं इंस्टा लाइव में करते हाँ क्या हैं लोग ना. ये तो फर्स्ट टाइम है मेरा. रितवन, हाँ मेरा भी फर्स्ट टाइम है, बट ऐसा हाँ करते नहीं रहना ठीक यार, है. द कोविड के और टाइम में तो किया था बहुत, FB में, फेसबुक में. अच्छा, तो अपने दोस्तों से मिलना हो जाता है जो हमारे म्यूजिक को हाँ अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं, जिनके व्यूज सब्सक्रिप्शन के राइट कारण हमारे गाने इतना अच्छा कर रहे हैं. तो फाइनली गेट टू नो देम, वी गेट टू राइट. चैट विद देम, और उनका अगर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो उसका गाइडेंस भी मिल जाता है कि हम लोगों को और क्या ठीक करना चाहिए हाँ आगे हम से लोग अपने ये गानों प्लान में. कर रहे थे सिंस द रिलीज ऑफ तेरा शुक्रिया ना, इंस्टा लाइव. हाँ आज 2 हफ्ते के बाद, आज दो दो हाँ हफ्ते बाद मौका मिल रहा है. हाँ और कितने कितने फ्री व्यूज हो हो गए? गए अभी. लास्ट टाइम आई चेक 1 मिलियन तो क्रॉस कर चुके थे. हो गए थे शायद, 2 मिलियन, टू ही 2 मिलियन में हुआ ही था हुए. 2 मिलियन. या अच्छा, हाँ तेरा शुक्रिया भी चल रहा है, लेट्स होप. हाँ सो मेरे ख्याल से 4-5 साल से एक दूसरे को जानते हैं. 2018 वी मेट. हाँ. तब से देख रही हूँ यू मोर इंडिपेंडेंट म्यूजिक ओनली, सो व्हाट्स योर टेक ऑन इट? इंडिपेंडेंट म्यूजिक करना ज्यादा लग रहा है या नहीं यार, कैसा, क्या बॉलीवुड म्यूजिक को क्या फर्क समझते हो, और व्हाई आर यू डूइंग योर, मतलब सिंगल्स पे ज्यादा ध्यान देते हो, उस पे सब इन्वेस्ट करके, व्हाट इज द नहीं, प्लान इंडिपेंडेंट बेसिकली? म्यूजिक मैंने शुरू किया 2021 से, ड्यूरिंग कोविड टाइम्स. हाँ क्योंकि कोविड टाइम में कुछ ऐसा ज्यादा कुछ प्रोजेक्ट्स नहीं थे, तो घर ही बैठ रहा था, तो घर में ही ऐसे कंपोजिशंस बनते जा रहे थे. तो वैसे वैसे 2021 से जो शुरू किया, अब अभी तक चल रहा है. और फिल्म म्यूजिक भी किया है, लेकिन वो रिलीज नहीं हो रहा है, नाइस, रिलीज नहीं हुआ अभी तक. या टाइम सो लगेगा. अच्छा लग रहा है इंडिपेंडेंट म्यूजिक में, अच्छा लग रहा है. लेकिन वही है, फिल्म म्यूजिक और इंडिपेंडेंट म्यूजिक बोथ हैज द बेनिफिट्स और नुकसान भी है. जैसे इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स में वी हैव टू डू एवरीथिंग आवरसेल्व्स ना, सब हाँ, खुद ही करना पड़ता बट इसका बहुत बड़ा इंडिपेंडेंट म्यूजिक करने का है. फायदा हाँ ये है हाँ कि यू ओन योर म्यूजिक ना, कि अगर अच्छा कर गया तो फिर वो आपका राइट. अपना है. हाँ और बॉलीवुड म्यूजिक इज गुड, और अपना मुझे लगता है से भी 20 साल लगेगा कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक को एस्टैब्लिश होने में. अभी फिल्मों के जो गाने होते हैं, हम भी बहुत हाँ आसानी से हम तक पहुंच पाते हैं ना, बीइंग म्यूजिशियन. हम कितने सिंगल सुन लेते हैं लोगों के, और तो वो तो अभी और टाइम लगेगा. मैं तो 90s का, मैं आई एम अ 90s बॉर्न ना, सो जब बड़ा हो रहा था तो तब इंडी पॉप एल्बम्स आते थे, तो वो सुनने में बहुत ही अच्छे लगते थे. हाँ सम ऑफ माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स आर फ्रॉम द इंडी पॉप एरा. सो अभी वही, अभी इंडिपेंडेंट म्यूजिक भी अभी राइज हो रहा है अभी, मोस्टली फ्रॉम द कोविड टाइम. सो अच्छा है. सो तो फड़ा बहुत सारे लोगों ने फराज ने ज्वाइन ज्वाइन किया है किया हम लोग की वीडियो एडिटर. वन डे. हाँ मैं देखती रहती या हाय फराज. हूँ. बहुत अच्छी. और फराज फराज ने हमारे साथ अब शूट किया है, सब कुछ किया है ना फराज ने. हाँ अभी का हाँ पोस्टर काटने चीज के लिए फराज को पकड़ा जाता है, जय वो फराज मुझे प्लीज डायरेक्ट डू इट. कर देता है और मैं वैसे वैसे मैं चलता हूँ. वो जो बोलता है वो मैं वैसे ही कर देता हूँ, उसके बाद वो एडिट करता है अच्छे से आसाम में बैठ बैठ कर. हाँ बट ही हैज डन अ राइट. फराज अ वेरी हार्ड वर्किंग मैन, वेरी वेरी गुड, हार्ड वर्किंग. ही इज आई एम श्योर. एंड प्रियंका हैज जॉइन, एंड शुभांकर दत्ता, हेलो. हेलो, हाँ थैंक यू फॉर जॉइनिंग. तो ये सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं, प्रतीक बहुत भाई को अच्छा मेरा लग रहा है. नमस्ते. तो थोड़ा गाने की जर्नी, हाँ वो लोग
ड्राइंग रूम से देख रहे हैं ये लाइव थोड़ा तो सा वॉइस मतलब गया ब्रेक हो रहा है बीच बीच में। मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा मैं है ईयरफोन्स को हटा दो क्या? डोंट नो आई कैन हियर यू क्लियरली, मेरे को हाँ आपकी हाँ आवाज ओके। एकदम क्लियरली आ रही है, बाकी लोगों को भी कुछ है अगर तो प्लीज बताइए, प्लीज कमेंट में बताइए अगर कुछ दिक्कत हो रही है तो हम फिर कनेक्शन फिक्स करें। हाय ज्योतिका, हाउ हेलो। यू? ज्योतिका निगम इज वेरी वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, मेरे स्कूल में की फ्रेंड है, तब हम लोग साथ में पढ़ते थे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ज्योतिका। तो वैभव कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं ब्रेक हो रही अपनी वॉइस, तो सब सही चल रहा है। हाय असित, असित अगेन, असित त्रिपाठी अ वेरी गुड सिंगर, वह बहुत कंपोज भी बहुत अच्छा करते हैं, इंजीनियर बहुत अच्छे हैं। थैंक यू असित फॉर ज्वाइन, एंड हाय ज्योतिका, आई एम गुड, थैंक यू, थैंक यू वैभव। ओके तो प्रयास कुछ तू ही का बताओगे कि तू ही, हम लोगों ने पहला गाना किया था मेरे ख्याल से हाँ, 3 साल पहले, तो 2018 में स्टार्ट किया था। अच्छा खास बात यह है कि दोनों गाने जो हाँ देखो, हैं निकेत जी ने पांडे लिखे जी हैं। हाँ, और निकेत जी के जी निकेत पांडे जी बहुत लिरिसिस्ट और बहुत अच्छे राइटर। फिल्म्स हाँ भी लिखे हैं उन्होंने, या गर्ल, ड्रीम गर्ल, और भी उनके प्रोजेक्ट। ही इज डूइंग रियली गुड वर्क। एंड ये और तो हाँ, उन्होंने और ही दोनों गाने लिखे, निकेत जी के थ्रू ही हम तो लोग ही मिले भी थे। उन्होंने लिखे, निकेत जी के थ्रू ही हम लोग मिले हाँ थे। निकेत जी ने एक्चुअली तो तू ही तो बहुत पैशनेट गाना था, और तेरा शुक्रिया इट्स ऑन द फन फन साइड, मोर 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 देन। हाँ सो नाइस बोलो अभी। तो हाँ नहीं, बट कैसे ने पहले लिखा था और फिर तुमने कंपोज किया, या पहले कंपोज किया हुआ था और फिर उसमें निकेत जी ने शब्द भरे, कैसे नहीं, मैंने कंपोज किया? फर्स्ट किया था, पहले कंपोज कर लिया था। कंपोज करने के बाद मैंने सिचुएशन बताया था और कैसा कैसा होना चाहिए, क्या मैं सोच रहा हूँ थ्रू द कंपोजिशन, ओके और वो बहुत अच्छे से वो इंटरप्रेट कर देते हैं वो विद हिज राइटिंग। काफी सारे लोगों ने ज्वाइन किया है, तो हेलो पहले सबको हाय बोल दें। अभिष्टम डिजाइन स्टूडियो, हेलो। सो अभिष्टम के बारे में बोलना चाहूंगी मैं, हमारा फैमिली वेंचर है, मेरी भाभी सीईओ है इसकी, मिस स्तुति श्रीवास्तव, और उसमें बहुत आपको एक्चुअली ये चेक करना चाहिए, मैं नहीं ज्यादा बोलूंगी, आप चेक करेंगे अपने आप, आपका मन डोलेगा अच्छी अच्छी चीजें लेने के, जो हाथ से बनी हुई बहुत ही प्यारी प्यारी चीजें, आर्टिफैक्ट्स और बहुत सारी चीजें हैं, तो आप लोग यू शुड, यू गाइज मस्ट चेक आउट अभिष्टम डिजाइन स्टूडियो। और फिर असित, हाँ गुड टू सी यू, थैंक यू। फराज की फरमाइश है प्रयास की एक गाना हो जाए, मैं मुझे तो बहुत गंदी हाँ खांसी हो रही है, पता नहीं क्यों। मेरा भी आज थोड़ा सा तबीयत थोड़ा खराब ही है। तब भी तो तेरा शुक्रिया ही गाते हैं। शुक्रिया कहते हैं हिमांशु पारे, गा सकते हैं। हेलो लेजी लिरिसिस्ट, हेलो। ओ सुष्मिता रघुवंशी इज लाइव ओके एंड हेलो। शी इज माय एल्डर सिस्टर, लाइव मतलब कि अच्छा ऑन चैट। ओके चलो, क्या स्केल है गाने का? आज तो क्या पकड़ू। ठीक है। बहुत ऊंचा है, नहीं, सीधा की मेरा वाला पार्ट। नीचा नीचा ठीक है, मैं पकड़ता हूँ। तेरे ख्वाब लिए दिन मेरा जागे, दिल पे ये तेरी तस्वीरें टांगे, पीछे पीछे तेरे भवरों सब भागे, बंदा खींचा चले डोर न धागे, सारी रस्मों दीवारों को लांघे, अब फिकर ना हो जो आगे, ये दिल या वो दिल, यू इश्क का सौदा किया।
आंचल सेठी फ्रॉम इंदौर। मैं अब अपना पार्ट अपने स्केल में गाऊंगी। ये क्या, अच्छा ये तुम लोग म्यूजिक डायरेक्टर्स का क्या प्रॉब्लम है मुझे बताओ कि सारा ये लोग इतनी पहाड़ी पे चढ़ के तुम गाने बनाते हो क्या? फीमेल का इतना ऊंचे ऊंचे, या तो हम एकदम पाताल में धस के नीचे गाते हैं या इतने ऊपर होते हैं ये गाने। सुवर्णा, हाय सुवर्णा, सुवर्णा तिवारी, हेलो देवदास, हेलो अगर किसी को नहीं पता या है, शी इज एन अमेजिंग अमेजिंग, मस्ट चेक आउट हर पेज एंड बहुत ही, और क्लासिकल तो या कमाल गाती है सुवर्णा, हेलो बहुत ही सुवर्णा। बढ़िया। हाँ तो हाँ ना, मैं तो ऐसे भी नहीं, सीधा किया सादा किया, मर मिटने का वादा किया, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया, गम बांट के आधा किया, मर मिटने का वादा किया, तेरा शुक्रिया ना 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 ना। ना 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 सांसों के कागजों पे मैं तेरा नाम लिखूंगा, पलकों में घर कर लूंगा, मैं तेरा ख्वाब बनूंगा। अब ख्वाहिशें फरमाइशें बढ़ने लगी है, चाहते तेरा शुक्रिया। सीधा किया सादा किया, मर मिटने का वादा किया, तेरा शुक्रिया, गम बांट के आधा किया, मर मिटने का वादा किया, तेरा शुक्रिया। मैं ओ जैसे तैसे कोई अपने लिए ताली बजाना, सबसे पहले हम अपने लिए चेयर करें ना, बाद में तो फिर लोग हाउ स्वीट ऑफ यू ऑल टू ज्वाइन। और कुछ बताएं आप लोगों को कैसा लगा तेरा शुक्रिया के बारे में, कि और ऐसे गाने सुनना चाहेंगे, किस जॉनर के गाने हमसे आप सुनना चाहेंगे जो हमें बनाने चाहिए, जिस पे हमने को पैसा लगाना चाहिए बेसिकली। तो अच्छा, प्रयास इज फ्रॉम असम एंड आई वॉन्ट टू आस्क दैट हाउ आर यू रिलेटेड टू लेट श्री भूपेन हजारिका जी? हाँ, वो ओके, मेरे यार, ही वाज माय अंकल ग्रैंडफादर, माय ग्रैंडमदर्स वाह। एल्डर ब्रदर। या सो आई एम रिलेटिंग। एंड योर हाँ, मॉम ऑल्सो शी सिंग्स ना? मोस्टली द रविंद्र संगीत सिंगर। या शी सिंग्स रविंद्र संगीत रियली वेल। तो आर यू फ्रेंड्स, कोई है जो ऐसी मिस बोलता हो या जो जानता हो, बट कैसा लगती? मेरे ख्याल से इंक्लिनेशन वहीं से आया ना, यू मस्ट बी फीलिंग यू वेरी प्राउड कि भूपेन हजारिका जी के नाती हो। नहीं, वही है, एक हाँ, मिले, मिलना मिलना तो हुआ हुआ है, उनसे? बचपन में हुआ है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहता है ना, तो हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है। व्हेन आई कंपोज, हाँ, रिस्पॉन्सिबल तो वही अटैच्ड बात है, तो ये नॉट मेक एनी थिंग। बिल्कुल बिल्कुल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर मुझे अगर लगता है यहाँ पे कोई आसामी, आज मुझे मुझे अलग अलग भाषाओं में गाने का बहुत शौक और है, आई मस्ट टेल दैट, जब तो आई थिंक मैं, आई जब कैन ये नियरली तू ही और तेरा शुक्रिया रिकॉर्ड हो रहा था, तो तुमने बहुत हेल्प किया प्रोनाउंसिएशन में। हिंदी, यस। हाँ राइट। निकेत जी, निकेत जी तू ही में तो निकेत जी थे, पर हाँ तेरा शुक्रिया के टाइम वो हाँ वो रिकॉर्डिंग बिजी के थे। टाइम नहीं हाँ आ पाए थे। हाँ, हाँ बट तो मैं वहां या पे सुपरवाइजर बनी हुई थी। निकेत जी ज्वाइन हाँ करते तो अच्छा रहता। और ऑल्सो
yeah. दत्ता इज मिसिंग. शी इज शी इज डूइंग अ शो राइट नाउ. ओके. या शी इज अ वेरी तो मुझे शी इज हमें अ वेरी ब्रिलियंट म्यूजिशियन एंड आई एम रियली ग्लैड टू हैव हर इन माय सॉन्ग्स. हाँ, यू हैव बीन टेलिंग मी, बताया था मुझे कि बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट रही है वो इस पूरे प्रोसेस का. ऑल गिटार, बेस गिटार, एवरी काइंड ऑफ गिटार इज प्लेड बाय हर बेसिकली ना. राइट एंड इट वाज हर फर्स्ट द बेस गिटार्स इन अ ट्रैक सो इट वाज हर डेब्यू एज अ बेसिस्ट इन दिस सॉन्ग. ओके. शी हैज डन रियली वेल. अच्छा. हेलो हरलीन, हाउ आर यू? तो कोई आपके फ्रेंड्स हैं यहाँ पे जो आसामी बोलते फराजी हों बोलता है, या तो फराजी आसामी गाने आसामी सुनते सिखाया है. हों? हाँ आई डिडंट. तो पहले ही मैं माफी फर्क तो मांग लेती गुवाहाटी हूँ, में रहता है. बट हमने अभी जी की बात की है तो तुम्हारे लिए भी एक सरप्राइज. यू मस्ट बी नॉट एक्सपेक्टिंग दिस. और प्लीज तो डिक्शन में गलती हो, प्लीज पहले माफी मांग रही हूँ वाह मैं वाह. दोनों कान पकड़ के. मनु भावे जो दे अनुभूति रे भावे बकुने वाओ दिस या वाज सो स्वीट. वेरी थैंक यू. प्रेडिक्शन इसका मीनिंग तो कैसा जानती हो ना, मीनिंग तो था? जानती मुझे हो ना. मैं एक्चुअली मैं वही हाँ मतलब लोग मीनिंग बताओ लोग ना इसका. तो लोगों के लिए होते हैं और मानो है मानो और बार बार है. हम लोग एक एक दूसरे के लिए होते हैं. वही मेन थीम है सॉन्ग का. एक दूसरे के लिए और दूसरी लाइन, दूसरी होंगे लाइन जो दिए मानो है ओकोनोने मानो भावे. है और बाबे जोड़ी है और कौनों ने. मतलब अगर अगर एक दूसरे के लिए अगर हम लोग सोचते नहीं है तो क्या होगा. हम दो वी शुड केयर अबाउट इच अदर, वी शुड अपलिफ्ट इच अदर. या डीप डीप सॉन्ग है नाइस. बहुत. हाँ और आसाम में ये गाया जाता है, हमेशा ही गाया जाता है अलग अलग शोज में. तो माय ब्रदर हेलो हेलो फरहाद भिवंडी वाला इज विद अस. फरहाद को आई डोंट थिंक ही या नीड्स एनी ग्रेट सिंग. इंट्रोडक्शन. ही इज अ वेरी रिनाउंड सिंगर एंड ही इज लाइक माय ब्रदर. ही लाइक माय ब्रदर, ही इज माय ब्रदर. तो हमने बहुत काम किया है, हम लोग तकरीबन 12 साल से. जब से मैं बॉम्बे आई हूँ तब सो से व्हेन डिड मैं यू कम टू बॉम्बे, व्हेन फरहाद डिड यू भाई कम को टू जानती बॉम्बे. हूँ. 2009 ओके. अगस्त में प्रॉपर जब शिफ्ट, उसके पहले ऑन एंड ऑफ आती रहती थी. एक साल मैं यहाँ पे गजेंद्र सिंह जी की एक एकेडमी हाँ हुआ करती थी जोगेश्वरी में, सारेगामा पधनीसा, वहां पे रहती थी. एक साल वहां रही हूँ मैं. तो वो बिग बॉस के घर टाइप था, उसमें हम लोग 30-35 बच्चे थे. बच्चे इसलिए बोलूंगी क्योंकि सब 17-18 साल उसी एज के से थे, कोई 20-21 साल का मैक्सिमम का. तो और गुरु वहां आते थे, जैसे पंडित जसराज जी आते थे हमारे, अभी लेट श्री मणि प्रसाद जी, अभी उनका देहांत हुआ है कुछ महीनों पहले. वो तो हमारे साथ ही रहते थे, वो और उनकी वाइफ. तो उनसे हम सीखते थे. रामू सर हम लोगों को वेस्टर्न सिखाते थे. इसरार अंसारी जी हमारा उर्दू का डिक्शन ठीक करने आते थे. इसरार अंसारी जी ने बहुत सारे हिंदी गाने लिखे हैं एंड इज अमेजिंग अमेजिंग टीचर. किसी को अपना डिक्शन ठीक करना हो या बड़े बड़े एक्टर्स का, सिंगर्स का, उन्होंने डिक्शन ठीक किया है. संचारी अल्गेलियो, शीज अकेडमी, मेरे साथ अकेडमी में उसको हके हंसने का मुझ पे ठीक है चल संचारी को तुम हंस हाय. ले. शायद शी हैड वर्क विथ मी आल्सो. वेरी नाइस सिंगर. या ओके. वेरी स्वीट. She is very sweet. So she is one of my closest friend, and for a I think
तीन चार साल तो हम लोग साथ में भी रहे हैं, वी वर रूममेट्स 3-4 साल रहते सारी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हम लोग लोखंड वाला में साथ में रहा करते थे, पीजी अकोमोडेशन में साथ में, सो लाइक दैट। अब तुम भी कुछ कहो, मैं बोली जा रही हूँ रेडियो की तरह। इसको अच्छा लगा तुम्हारा गाना, मानवे मानव भावे। देखा मैंने उसको भी बोला। हेलो आरव मिश्रा। अच्छा तू ही गाए क्या? यू नो द तू ही सॉन्ग, यू रिमेम्बर द लिरिक्स? हाँ है ना, हाँ बड़ा बड़ा याद है, तू ही गाते हैं। संचारी सिंह, हाय हाय टू यू, यस टू मी, आई डोंट नो फॉर वर्ड बट ठीक है। लतिकेश वन जॉइंड, अ वेरी यूनिक एंड नाइस नेम, लतिकेश वन। ठीक है स्टार्ट करता हूँ। इश्क की, इश्क ये मेरी लाइन होगी ना, तुम्हारा तो अंतरा था ना, तू ही बहती सांसों में, रिमेम्बर? आई कैन रिमेम्बर, आई रिमेम्बर मुखड़ा। ठीक है ठीक है। बदली सी किस्मत तू ही दिल की, तू राहत है, राहत है, पहली मोहब्बत है, पूरी मन्नत पूरी कोई मन्नत है, मेरी जरूरत है, तू ही तू ही जश्न इबादत जैसे मन गया, तू ही रोम रोम से मेरे छन गया, तू ही रूमानी आदत बन गया, इश्क की दस्तक है, बदली सी किस्मत है, तू ही दिल की राहत है। पहली मोहब्बत है, पूरी कोई मन्नत है, तू ही दिल की जरूरत है। हाय तानिया, हाउ आर यू? हाय हरलीन, फराज को भी अच्छा लग गया अपना। थैंक यू फराज। तो तू ही का भी आई थिंक फराज ने किया था, ये हमारी एकदम कोर टीम होती जा रही है। निकेत जी, यू मी एंड फराज को लाइफ में ला सकते हैं क्या? पता नहीं कितने लोग इसमें ऐड हो सकते हैं। फराज एक बार, हाय तानिया स्वीटी, बाय तानिया, इज एन अमेजिंग अमेजिंग सिंगर अगेन, थैंक यू तानिया, एंड शी इज आल्सो डू हर इंडिपेंडेंट म्यूजिक वेरी स्ट्रांग। इंडिपेंडेंट म्यूजिक में द फ्रीडम भी रहता है बहुत सारा, क्रिएटिव फ्रीडम, राइट? हां राइट, क्रिएटिव बिल्कुल उसका सबसे पहला बेनिफिट है, नहीं तो बॉलीवुड में आप लोग सबसे पहले सिचुएशन में बन जाते हो, किस किसके साथ काम में और बहुत सारे लोग बन जाते हो, फिर उसके बाद ऐसा नहीं, ऐसा बहुत सारे लोग, टू मेनी कुक्स इन द किचन, या यस काइंड ऑफ, वो कभी कभी अच्छा भी होता है, कभी कभी बैकफायर भी कर जाता है, क्योंकि उस फिटलिंग से बहुत सारे अच्छे गाने आते आते रह जाते हैं, क्योंकि वही है, फ्रीडम तो चाहिए एट द लास्ट, ठीक है, पर फिल्म के गानों का अपना चार्म है। अभी भी हम लोगों को सिंगल याद होंगे बहुत, मुझे एकदम से आप सुनो वो बोलोगे कि कोई अभी बताओ कौन सा सिंगल जो लास्ट है जो भी है, मैं तो मुझे दो तीन है जो मेरे दिमाग में पॉप अप होते हैं, जैसे जिनकी ज्यादातर रील बनी रहती है, जैसे वो एक जस्टिन रॉयल और अरिजीत सिंह का हीरे, दैट्स एन इंडिपेंडेंट, पहले कहानी सुनो, तो
है इंडिपेंडेंट का भी, अगर अच्छा हम दिल से बनाएं और लोगों तक रीच हो और लोग भी थोड़े दिलदारी दिखाएं, हमें सब्सक्राइब करें, गाने हमारे थोड़े शेयर कर दें, तो हमारा भला हो और जाएगा। अभी तुम्हारा अभी रिसेंटली और एक सॉन्ग निकला था ना, फोक सॉन्ग मालवी, दैट राइट वाज राइट ब्रिलियंट, राइट सो दैट बहुत अच्छा लगा। अभी हमारे साथ अगर मेघदीप बना हुआ हो, सो मेघदीप ने हाँ प्रोड्यूस किया गाना, और जो एक कोरस पार्ट था वो भी उसने कंपोज किया था। ये गाना बहुत क्लोज था मेरे, क्योंकि मेरी दादी को मैं गाने सुनती थी, ये भजन। मालवी एमपी से बिलोंग करती हूँ मैं, भोपाल से, तो वहाँ मालवी में ये फोक था। मारा बाल मुकुंदा जी के मारे घर रमवा जी, के मारा छेल छबीला जी के मारे घर रमवा जी, तो ये उसका मुखड़ा था। तो एकदीप आल्सो बिलोंग्स टू भोपाल, तो उसने बोला कि लेट्स डू इट ना, मेरे को थोड़ा, मैं इसको अच्छा थोड़ा हाँ यो बनाता हूँ, कूल इसका प्रोग्रामिंग करके। और हम लोगों को ऐसे प्रिजर्व करने चाहिए अपने फोक, नहीं तो ये छूट जाएगा, रह जाएगा, राइट क्योंकि फिल्मों में राइट तो नहीं राइट लग राइट, सकते हैं कहीं ये बहुत ही गाने, अच्छा प्रोड्यूस किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। तो वी मस्ट। बहुत स्वीटली है हाँ उसका, स्वीट भी है और न्यू भी अभी है। अभी काफी कुछ आ रहा है, 27 अक्टूबर राइट को फिल्म रिलीज राइट हो रही राइट, है देशबंधु देखा मैंने। हाँ मुजीब, तो ये पहला वेंचर है जो हमारी इंडिया गवर्नमेंट और बांग्लादेश का को प्रोडक्शन है, तो उनके प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ये फिल्म बनी है। श्याम बेनेगल जी ने डायरेक्ट की है, यार लेजेंडरी लेजेंडरी डायरेक्टर। इंस्पायरिंग पर्सन, एंड सॉन्ग्स कंपोज बाय अमेजिंग अमेजिंग शांतनु मोहचा जी, तो ही इज लाइक माय गुरु। मैंने उनके साथ रिकॉर्ड किया, और बहुत सारी उन्होंने, उनका जो निचोड़ था, इतने सालों से वो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो मेरे लिए वो बहुत आई ओपनिंग था। और एक नहीं दो गाने उस फिल्म में, तो यस, और बांग्ला में भी आएगी और हिंदी में भी आएगी, आई थिंक और भी तमिल तेलुगु में भी है वो फिल्म, अच्छा, यू हैव आनी है। संग टू सॉन्ग्स ना। हाँ, टू सॉन्ग, बेस्ट टू विशेस। सोलो सॉन्ग, तो 27 रिलीज, सो प्लीज ओके, देखिएगा मुजीब। मुजीब। और बताओ, अच्छा, तेरा शुक्रिया से लेकर एक और वी शुड थैंक अमे लोंडे सर। ही इज अ रियली अ ग्रेट साउंड इंजीनियर एज अ क्रिएटिव पर्सन। हाँ, राइट ही हैज हेल्प्ड राइट अस थ्रू आउट द जर्नी फ्रॉम रिकॉर्डिंग टू मिक्सिंग। या अलॉट अमेज़, वो मतलब कि अपना आर्ट में बहुत अच्छी बात है ये, मतलब ये तो कहना मतलब सूरज को दिए जी दिखाने जैसी बात है कि वो तो है ही, बहुत अच्छे हैं, बट ह्यूमन बीइंग इज सो स्वीट, कि हमारी बहुत, हाँ उन्होंने उस दिन मदद की थी कि तो ऐसा करना हाँ चाहिए, इसका ये अप्रोच रखना चाहिए, नहीं तो उनको कोई, उनका काम हाँ नहीं हाँ है ये सब गाइड करना, बट हाँ आउट ऑफ द वे डज सॉन्ग का दैट, क्या फील इट्स होना अमेजिंग। चाहिए वो पूरा स्टार्ट से लेकर एंड तक वो हेल्प करते हैं। और हाँ दोनों गानों राइट। में, तू ही में भी हेल्प, हाँ, तो माय डॉटर इज सुमीरा सुमीरा, क्या कर रही है अभी? सुमीरा पता नहीं क्यों मम्मी मम्मी बोल रही है, आई डोंट नो व्हाट शी वांट, बाहर वो लाइव देख रही थी, फिर उसको लग रहा होगा कि शायद ये घर से चली गई है, तो यहाँ आके वो कर रही है कि नहीं मैं घर में ही हूँ। अच्छा, तुम्हें गाना गाओ, योर वन ऑफ योर ये फेवरेट सॉन्ग्स, गा सुनना चाहता बहुत क्वेश्चन है, क्योंकि एक एक फेवरेट हूँ। गाना नहीं बड़ा होता। मुश्किल हो जाता है, कोई राइट। बड़ा, और गला भी और किसने किसने ज्वाइन किया? साथ चल। यस, मैं बहुत टाइम से मैं देख नहीं पाई, कुमार सर्वम जी और सी टंडा, मेरे फादर देख रहे हैं बाहर से,
पापा, और मेरी बेटी भाग के आ गई है। तो आई थिंक वी शुड थैंक ऑल एंड कैन वी वाइंड अप दिस या सेशन। आई वुड लाइक टू या सो अगेन बहुत बहुत शुक्रिया सारे गानों को इतना सारा प्यार देने के लिए, अप्रिसिएशन देने के लिए, इतना सा अच्छा जेन्युइन व्यूज हाँ इतने सारे होना आम बात नहीं, एंड थैंक्स इट्स अ आल्सो वेरी टू बिग थिंग द फॉर अस। एसएमईज न्यूज़ मीडिया जो न्यूज़ पब्लिश करते जा रहे हैं अलग अलग पेपर्स में. सो जेन्युइन, दैट इज हेल्पिंग अ लॉट. या थैंक यू. थैंक्स टू मैम. थैंक यू। आर दे वॉचिंग सम ऑफ देम? क्या मम्मी आर दे वॉचिंग? कोई है जो मीडिया से है? क्योंकि मैं जो जिनको मैं पर्सनली नहीं नहीं जानती उनको मैं पहचान नहीं पा लाइव रही में तो अभी हूँ। तक नहीं है. ओके ठीक है. ओके, तो अच्छा लगा. यस पहला लाइव. हाँ और करते मजा हैं, आया। और करते हैं नए नए गानों के साथ. डेफिनेटली। तो तेरा शुक्रिया और तू ही की सारी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया, और सुनने वालों और देखने वालों को वो सबसे पहले कोटस बहुत बहुत शुक्रिया। गानों की कौन से एंड में फिर सीधा क्या सा किया. सा मर वादा मिटने किया का तेरा वादा किया, शुक्रिया, तेरा दिया शुक्रिया गम बांट के आधा किया खुशियों को तू ज्यादा किया तेरा ज्यादा किया शुक्रिया तेरा शुक्रिया. यार। हेलो सुमीरा हाय. मुझे मुझे तो देखा ही नहीं चलिए अभी तक. आप इसी बात, आप घर आइए या एंड बाय मीटिंग बाय सुमीरा से। बाय 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 एवरीवन। थैंक सो मच. थैंक यू फॉर सो मच. जॉइनिंग अस। फ्लाइंग किस, फ्लाइंग किस। बाय शुभांकर। थैंक यू एवरीवन।